प्रेगनेंसी के वक्त आपको हर माँ से अलग अलग डाइट प्लान सुनने को मिलते हैं और उन सब प्लान्स में से एक चीज कॉमन होती है जो कि है सैफ्रन यानी कि केसर लेने की। दुनिया का सबसे कीमती स्पाइस बहुत ही फेमस है प्रेगनेंसी के वक्त और हर एक माँ सैफ्रन यानी कि केसर तो जरूर ही खरीदती है ताकि वो अपने आने वाले बच्चे को अच्छी और हेल्दी जिंदगी दे सके। आज हम आपको सैफ्रन के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्टिंग द मोस्ट कॉमन सैफ्रन माइथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें हमारे सारे बुजुर्ग दादियों और मम्मियों से सुना होगा कि प्रेगनेंसी के वक्त सैफ्रन मिल्क पीने से बच्चे की स्किन फेयर होगी। ये एक सुपरस्टिशन है कि बच्चे की स्किन गोरी होगी क्योंकि कोई भी बच्चों की स्किन पेरेंट्स के जीन से और उनकी हेरिडिटरी पर डिसाइड होता है कि बच्चों की स्किन कौन से कॉम्प्लेक्शन की होगी। इस पर आप कितना भी दूध या सैफ्रन ले कोई फर्क नहीं होगा, पर आप सैफ्रन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि सैफ्रन डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जैसे कि प्रेगनेंसी के वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इसीलिए सैफ्रन को आप स्पाइस समझ सकते हो जो आपके पाचन तंत्र में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है और ये पेट को शांत करने में भी मदद करता है। सैफ्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बेनिफिट्स। सैफ्रन लेने से पहले आप अपने डॉग से प्रिस्क्रिप्शन या कंसल्टेशन कर ही लीजिए। हम सैफ्रन एक हर्ब है कहकर ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सैफ्रन असली में आपके लिए सेफ है या नहीं, और कुछ हर्ब्स भी आपको सूट नहीं करते हैं और वो आपके बॉडी और बेबी पर एडवर्स या साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको अप्रूव कर दिया सैफ्रन लेने के लिए तो सैफ्रन आपके और आपके बेबी के लिए एक फैंटास्टिक रेमेडी और स्पाइस बन जाता है। फॉरगेट दोज मूड स्विंग्स। प्रेगनेंसी के वक्त आपको बहुत सारे हार्मोनल सर्जेस एक्सपीरियंस होंगे जिससे आपका मूड अप और डाउन या फिर चेंज होता रहेगा। एक मोमेंट आप खुश होंगे, अगले मोमेंट पर आप रोने लगेंगे और फिर एक मोमेंट आप उदास भी हो जाएंगे। सैफ्रन एंटी डिप्रेसेंट जैसा एक्ट करता है और आपका मूड अप करने में हेल्प करता है, और कहा जाता है कि अगर आप हैप्पी या खुश रहेंगे तो आपका फेस ग्लो करता है और आपका बेबी भी हेल्दी रहता है। तो जब आप अगली बार मिरर में देखेंगे और फिर अचानक से आप अपसेट हो जाए बलूनिंग बेली को देखकर, तो फिर कुछ सैफ्रन स्नैक्स या फिर मिल्क पी लीजिए जिससे आप तुरंत खुश हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर को बाय बोल दीजिए। सैफ्रन आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है तो सैफ्रन की एक यूनिक प्रॉपर्टी के वजह से आप अपना ब्लड प्रेशर स्टेबल कर सकते हैं। पोटेशियम एंड क्रोसेटिन जो प्रेजेंट होते हैं सैफ्रन में वो हेल्प करते हैं आपका ब्लड प्रेशर लो करने में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट हार्ट डिजीज। आपकी खाने की इच्छा जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, अगर आप ज्यादा कैलोरीज या फैट्स खाते हैं तो आपके हार्ट पर इफेक्ट होता ही है। अच्छा है कि सैफ्रन में क्रोसेटिन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको और आपके बच्चे को हार्ट डिजीज से बचाते हैं। ये आपका ट्राइग्लाइसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करता है जिससे आप आराम से आपके प्रेगनेंसी क्रेविंग्स खा सकते हैं। When to take केसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सैफ्रन फ्लावर से बनकर मिलता है जो आपके बॉडी पर सेफ रहेगा, और स्पेशली प्रेगनेंसी के वक्त तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर बहुत सारे गर्भवती माओ पर सैफ्रन ने बहुत मिरेकल्स किए हैं, पर यहाँ पर साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी रहता है। मिसकैरेज, हाइपर सेंसिटिविटी, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, ब्लीडिंग फ्रॉम आईलिड्स, लिप्स एंड नोज, नमनेस, ब्लैकआउट्स, डिजीनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस या फिर जॉन्डिस। कंसल्ट योर डॉक्टर। हर किसी की बॉडी अलग होती है, कुछ लोगों पर सैफ्रन इतना काम नहीं करता और कुछ लोगों पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और इसीलिए सैफ्रन ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।